स्टॉक मार्केट में कमाई करने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं दोस्तों। जी हाँ, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में कमाई करने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आना चाहिए। 2 + 2 कितना हुआ? 4। 7 + 9 कितना हुआ? 16। ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं ऐड, मतलब हिंदी में जोड़। और जिसको जोड़ आता है, याद कर लीजिए, सब डायरी में लिख लीजिए, और मैं साबित कर दूंगा कि स्टॉक मार्केट में कमाई करने के लिए, निफ्टी 50 को जानने के लिए, निफ्टी बैंक को जानने के लिए, और बिना पैसा अगर 3 साल इस तरह पढ़ते रहे अपने घर पे कॉपी और डायरी लेकर, बस डायरी और पेन कागज़ में खर्चा कीजिए 3 साल तक, और फिर स्टॉक मार्केट में आइए और कूद जाइए समुद्र में, और चले जाइए समुद्र की गहराइयों में, वहाँ से मोती, हीरे मोती और जवाहरात लाल निकाल के ले आइए नीचे से। चलिए दोस्तों, पहला नंबर, पहला मंत्र, पहले घंटे की पढ़ाई आपको ज़िंदगी भर करेगी कमाई, और ज़िंदगी भर याद आई। जोड़ आना चाहिए आपको, कम से कम जोड़ आना चाहिए कि 2 + 2 कितना हुआ, 2 + 2 4 हुआ, 7 + 9 कितना हुआ, 16, 8 + 8 कितना हुआ, 16, 8 + 8 9 कितना हुआ तो 17, और 8 + 10 कितना हुआ तो 18। तो ये आपको जोड़ आना चाहिए। दूसरी तरफ आपको सब्सट्रैक्शंस भी आना चाहिए, घटाव जिसको बोलते हैं। चलिए, आज हम आपको पूरे भारत के लोगों को, और हर आदमी जब सीख जाता है तो एक एक आदमी को सिखाते रहिए, और कैसे नहीं स्टॉक मार्केट में पूरी भारत के लोग जान जाएंगे। घटाव, सब्सट्रैक्शंस, घटाव आना चाहिए, घटाने आना चाहिए। जी, इसका चिन्ह है ये, माइनस। माइनस आपको आना चाहिए, जोड़ तो आपको आता है ठीक है, लेकिन घटाव भी, माइनस भी आना चाहिए। कैसे घटाएंगे? सपोज दैट 6 में से 2 घटा कितना हुआ? 4। 4 में से 2 घटा कितना हुआ? 2। 9 में से 9 घटा कितना हुआ? 0। तो ये घटाव माइनस आपको आना चाहिए। तीसरा क्या आना चाहिए? तीसरा आपको मल्टीप्लाई, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, और हिंदी में बोलते हैं इसको गुणा। ये आपको आना चाहिए। सपोज दैट 3 × 3 कितना हुआ? 3 × 3 9, 3 × 3 9 हिंदी में। 12 × 12 कितना हुआ? 12 × 12। ये भी हम आपको सिखा देंगे कि 12 × 12 का पहाड़ा नहीं आता, नहीं आता तो कितना आसानी से आप कर देंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। देख लीजिए आप, 2 × 2 = 4 ठीक है, 2 × 2 = 4, और 2 × 1 2 + 2 कितना हुआ? 4, और 1 × 1 एक में एक से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 1 = 144। तो ये आपको गुणा नहीं आता, वो भी हम सिखा देंगे, लेकिन मेरा प्रण है कि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट में गुरु का महागुरु बना देंगे। चलिए दोस्तों, गुणा आपको आता है, जोड़ आता है, गुणा आता है, भाग आता है, घटाव आता है। भाग, इसको बोलते हैं डिवीजन या डिवाइड, ये आपको भाग, भाग मतलब हिस्सा, ये आपको भाग, डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड आना चाहिए। सपोज दैट
बीस में अब जैसे सपोज 20 रोटी है और 5 लोग हैं, भाग किसको बोलते हैं? 20 रोटी है, 5 लोग हैं, तो कितना कितना आएगा, कितने भागों में कितने कितने रोटी आएगी, तो क्या करेंगे 20 में 5 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 20, ये 4 रोटी आएगी। ठीक है, तो इस तरह डिवीजन आपको भाग आना चाहिए तभी जाके आप। अब आइए एक चीज़ और आना चाहिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग, 4 चीज़ हो गया, 5 मैथमेटिक्स का 5 सब कंटेंट आ गया आपको, मैथमेटिक्स गुणा भाग जोड़ घटाओ गुणा भाग और ये होता है स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। सपोज दैट 4 का कितना वर्ग हुआ, अगर इस तरह 4 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना हुआ, कितना हुआ, तो आएगा दूधनी के 4 2। 16 का कितना हुआ अगर ऐसे है तो 4। लेकिन अब तो ज़माना चला गया दोस्तों, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए और ऐसे जो चिन्ह बना हुआ है बस ये वाला टिकिए और उसमें अमाउंट जो भी फिगर है लिखिए, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आसान है गुणा भाग जोड़ तो। अब चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को आप निकालते हैं, और आज के बाद आप हमसे नहीं पूछेंगे कि सर सुबह निफ्टी 50 कितना जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये जिनको गुणा जोड़ घटाओ और ये भाग आता है वो अब पूछने के लिए ज़रूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को हम सिखा के मानेंगे, और जो लोग सीख जाते हैं अपने आसपास लोगों को भी सिखाइए। चलिए अब देखिए, एकदम सामने मैं आपको दिखाता हूँ, बस 2 सेकंड का समय दीजिए। मैं आता हूँ और आपको मैं बता ही दूँ आज डिटेल्स, ताकि आप सीख जाएं, और फिर एक बार जब सीख जाएंगे तो मेरा भी सही हो जाएगा। निफ्टी 50 आज, सॉरी दोस्तों, थैंक यू इंतज़ार करने के लिए। तो सिखा देते हैं, चलिए जोड़ अब क्यों पहले बता दिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग और रूट का ज़रूरत पड़ता है। तो आइए चलिए, सपोज दैट निफ्टी 50 आज बंद हुआ है 17,833.35 रुपया पे। ठीक है, ये देखिए कल के लिए आप, कल के लिए निफ्टी 50 मतलब सोमवार को क्या होगा आज ही जान लीजिए और सीख भी लीजिए दोस्तों। मैं सिखा रहा हूँ 100% और प्रेडिक्शंस भी बना, ये आपको दोनों काम आएगा, एक तो सीख भी जाएंगे और सोमवार को क्या होगा ये भी जान जाएंगे, आप खुद करना सीख जाएंगे। चलिए 17,835, अब 17,835 निफ्टी 50 क्लोज हुआ इसका। ठीक है, या जो भी सपोज द कि रनिंग में है, अभी मार्केट शुरू है, लेकिन 17,833.35 रुपया से होता रहेगा, तो एक दो रुपया इधर करके निकाल लेंगे, तो ये तो क्लोज हो गया इसलिए फिक्स हो गया है। अब आइए इसके बाद निकालेंगे इंडिया विक्स निकालेंगे। ठीक है, इंडिया विक्स निकालेंगे तो 17.72 इंडिया विक्स आज क्लोज हुआ है -3%। ठीक है, -3% हुआ है। अब देखिए, अब आपको एक दिन के लिए निकालना है, मतलब कि सोमवार के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब वो आएगा वो स्क्वायर रूट की बात, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन।
इसमें 365 का जब स्क्वायर वर्ग निकालेंगे तो आपको आएगा 19.10497, ये आपको आता है। तो ये आपका हमेशा फिक्स हो गया, आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको कैसे, अगर पहली बार आए इंटरडेटेक मुंबई में बीके सिंह चैनल में, तो आप पिछला सुबह का देखेंगे तो मेरा याद हो गया है कि एक साल का कितना होता है, आपको एक सप्ताह का, एक महीने का, छः महीने का, तीन महीने का कितना होता है, सब मुझे याद हो गया है। तो एक साल का है, एक दिन का मतलब कि सोमवार को हर दिन एक दिन का निकालना है तो आपको 365 दिन करना पड़ेगा, एक सप्ताह का निकालना पड़ेगा तो 52 करना पड़ेगा, और महीना निकालना पड़ेगा तो 30 दिन करना पड़ेगा, छः महीने निकालना पड़ेगा तो 180 करना पड़ेगा। तो यह है 19.10497। अब क्या करेंगे, इंडिया वीक्स डिवाइडेड बाई जो 365 किया है ना, तो ये आया है आपको 19.10497। अब 17.72 में भाग दिए 19.10497 से, तो जानते हैं कितना आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, आप घबराइए मत, मेरा कैलकुलेटर सामने ही है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कैलकुलेटर भी, अब देखिए कैलकुलेटर भी देख लीजिए। तो ये आता है आपको 17.72 में भाग देंगे कितना थे, 19.10497, देख रहे हैं ना, बराबर आगे कितना 0.927, और यही मैं बताता हूँ 0.927, तो तीसरा सात है तो हो जाएगा 93, मतलब कि आपका हो जाएगा 0.93। ये आ गया आपका नेट वेट 0.93, ये हो गया इंडिया वीक्स और एक साल का इतिहास का कुंडली हो गया। अब आइए इसका काम ख़त्म, 0.93। अब 0.93% जितना में निफ्टी 50 क्लोज हुआ है उसमें 0.93% निकालेंगे तो 17,833.35 का 0.93% में 100 से भाग देंगे तो आपको आता है दोस्तों 17,833.35 का 0.93% 165.85 165.85। अब देखिए ये आ गया, अब इसको क्या करना है, 165.85, अब 17,833.35 में इसको जोड़ देंगे, पाँच पाँच दस, आठ तीन ग्यारह एक बारह, पाँच 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 तीन आठ एक नौ, और छः तीन नौ आठ एक नौ, 17,999.20, ठीक है, सॉरी हाँ 17,000, ठीक है 17,999.20। ये आपका ऊपर की तरफ, अगर निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाता है तो 17,999 मतलब कि एक बार फिर 18,000 का लेवल, टच तो किया ही किया लेकिन 18,000 का लेवल आपको टच कर सकता है जब 165 का उछाल लेगा, तो दिन भर में कभी भी एक 18,000 टच कर देगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ गया तो क्या करेंगे, 17,833.35 में 165.85 घटा देंगे। देखिए जोड़ का काम आया यहाँ पे, यहाँ घटाव का काम आया, यहाँ देखिए गुणा का काम आया, और देखिए यहाँ पर भाग का काम आया, और रूट निकालने के लिए बस पांच चीज़ आपको सीखना है निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का प्रेडिक्शन निकालने के लिए, ठीक है। घटाएंगे तो पाँच में से पाँच घटा जीरो, तेरह में से आठ घटा पाँच, ये हो गया दो, बारह में से पाँच घटा सात, ये भी दो, बारह में से छः घटा छः, ये हो गया सात में से घटा छः, ये हो गया 17,667।
मतलब कि 17,670 रुपये मान लीजिए, 2 रुपये 1 रुपया हम लेकर चलते हैं, 17,670 से नीचे की तरफ 17,670 और ऊपर की तरफ 17,999 रुपया, मतलब 18,000 के लगभग। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 की प्रिडिक्शन। लेकिन अब क्या है, अभी भी जान लीजिए, मार्केट खुलते ही, इतना आप सीख लिए, मार्केट खुलते ही सोमवार को निफ्टी 50 का पहला लेवल होगा। आइए हम आज ही आपको बता देते हैं, तो 17,770, 17,710 और 17,680 और फिर 17,650, ये है कमाई निफ्टी 50 का। मतलब कि मार्केट खुलते ही स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 नीचे की तरफ जाएगा। और ये हम कैसे कह दिए, अगला वीडियो में जानेंगे। आप भी अपना दिमाग लगाइए, हम तो बताएंगे। इतना पढ़ाई कर लीजिए, जिनको जोड़ घटाव गुणा भाग और वर्ग नहीं आता है वो सीख लीजिए, और बाकी जो कैसे बताएं वो ज़िंदगी भर याद रखिए। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ये चैनल को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को ये मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।